लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने राहुल को घेरा तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बचाव में आ गए। विपक्षी नेताओं इस बात पर जोर दिया है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के बचाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के बारे में बोला है। उधर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम सब हिंदू हैं, शिवाजी ने जो कहा हम उसका पालन करते हैं। राहुल गांधी ने भाजपा के लोगों को बोल रहे हैं कि आप हिंसा फैलाते हो और हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हो। भाजपा के नेताओं को लगता है कि सिर्फ वो ही हिंदू हैं। उधर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भगवान शिव का उल्लेख किया। वेणुगोपाल के अनुसार राहुल गांधी ने बताया कि असली हिंदू कौन है। भाजपा नेता चुनाव में हिंदुओं का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए करते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी और भाजपा नेता इसे लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा हम सभी हिंदू हैं, भाजपा हिंदुओं का इस्तेमाल खुद को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिए करती है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद पीएम मोदी ने राहुल के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।